आज बेटी क्या क्या मामला है? मेरे ससुराल वाले मारपीट करते हैं जायज के लिए। कौन करता है मारपीट? मेरे ससुर, मेरे पति सूरज सिंह, मेरी ननद ने क्या लेके आई है, मेरे भैया पे 45 बीघा खेत है, क्या लाई है? हम कहीं से शादी करेंगे तो 4-5 लाख की गाड़ी मिलेगी और 6-7 लाख रुपए मिलेंगे। ये लोग कब से मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? मेरे कम से कम साल हो गई, 4-5 साल। क्या आपने इस मामले को किसी पुलिस अधिकारी को भी सूचना कोई शिकायत पत्र दिया? फिर वहाँ से 1 महीने के लिए मुझे राजीनामा पर लेके आए। सोगे दिन पुलिस बुलाई तो ऐसे कह के चली, आज आई, आज बुलाई तो ये बोली है तुम तो नौटंकी कर रही हो, सब कुछ रखा है। क्योंकि जब मैं घर में थी तब कुछ नहीं था, पुलिस आई तो सब कुछ हो गया, ताला लगा घर पे, पति भेड़ नहीं बताता कुछ भी बताता है। आपने कोई थाने में कोई तहरीर या शिकायत पत्र दिया है? सुरेंद्र नाम से। सुरेंद्र जी क्या मामला है? ये मेरी बहन का मामला है सर, झारीगढ़ी में जो मेरी बहन भी आई है और नेताराम के यहाँ पर लड़का नाम है सूरज। और सर कम से कम हमने शादी 14 में की थी, तो क्या कहते मतलब क्या इस लड़के ने और इसके परिवार वालों ने लड़की को परेशान कर रखा है कुछ महीने बाद दहेज के पीछे। और भी फिर भी इनने कानूनी हमने केस करा था, तो सर इनने क्या कहते कानून के दौर से फतेहाबाद कोर्ट में, क्योंकि कहते वहाँ से इनको आखिरी मौका दिया था कि आप ले जाओ लड़की को सही से रखो और राजीनामा भी हो जाएगा और आपका केस भी खत्म हो जाएगा। इनने 1 महीने तो जा रहने नहीं दिया ढंग से, इनको परेशान हर महीने टॉर्च करा। और मनीष साहब कहते हैं कम से कम 4-3 महीने हो गए मनीष साहब बैठे नहीं थे, तो ये लड़की वहीं थी, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे पीट रहे थे। और इनने कहा था कि इसको मारपीट हद से भी ज़्यादा मारपीट रही। क्या आपने इस मामले में अभी कोई पुलिस को शिकायत पत्र दिया कोई? अभी हमने पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस ने कोई शिकायत नहीं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।